हैं यहाँ पे आपके पास जो कीवर्ड है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो इनके कीवर्ड से परेशान मत होइएगा कि कहीं क्यूमुलेटिव का नाम ना हो, या सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो, या फिर सिंपल पीडीएफ लिखा हो। तो इन तीनों का मतलब जो है वो एक ही होगा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपके पास एक बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और उसका ग्राफ आपने फाइंड करना है। फाइंड इसका करना है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका इसने इन्होंने कहा कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है और उसका ग्राफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिविन थी, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम करना है, ठीक है। तो अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आपने लास्ट टाइम इस कॉइन वाले की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीख ली, तीन तरीकों से सीख लिया आपने। पहला तरीका क्या था सीखने का, टैबुलेटर टैबुलेटेड था। दूसरा आपके पास जो है वो एक पहला टैबुलेटेड था, फिर दूसरा आपके पास का फॉर्मूला था, और तीसरा ग्राफ था। तीनों से आपने उसे बनाना सीख लिया था और इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने सीख लिया। अब आपके पास जो आ रही है बात, वो आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। मैं फिर बोल रही हूँ कि नाम लिख लिख के रखें हर चीज़ के लिए, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम PMF भी कहते हैं। ये एक बात हो गई। फिर दूसरी चीज़ हो जाती है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल्स टू सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिर इज इक्वल्स टू PDF। ये तीनों चीजें एक ही नाम से, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहेगा पेपर के अंदर कि मिस इसमें करना क्या था। अच्छा, अब ये आपके पास एक बात आ गई है, आपके पास इन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई थी, इसका इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम करने के लिए दिया, इसका मतलब है क्यूमुलेटिव मालूम करना। अच्छा, क्यूमुलेटिव मालूम करने के लिए आपने इसी तरीके से चाहे तो आप इस बॉक्स के अच्छा अंदर, चाहे तो आप इस तरह बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस बॉक्स में रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकते। आप सिंपली क्या करेंगे, इस तरह आप जो है वो डिफाइन करेंगे। तो आपने डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक्स की वैल्यूज यहाँ पे लिख दी, एक्स की रेंजेस डिफाइन। अच्छा, इसका डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इसे जब भी आप क्यूमुलेटिव डिस्क्राइब करेंगे उसमें विद इन अ रेंज डिफाइन करें, जब भी क्यूमुलेटिव डिस्क्राइब किया जाएगा विद इन अ रेंज डिफाइन किया जाएगा। तो विद इन अ रेंज डिफाइन करने के लिए हमेशा से हमेशा याद रखना है कि ऐसे ही रेंज में डिफाइन किया जाएगा, और ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होगा। आपके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहती है, वो इस तरीके से आपको डिफाइन करने को कहती है कि क्यूमुलेटिव हमेशा इस मैनर के अंदर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। कि पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू जो भी लेस देन होगी जीरो से, जीरो से कोई भी अगर वैल्यू लेस देन होती है इसका मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू पे हमेशा आंसर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो। ये बात आपको अगर मैंने लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले जो है वो आपको लेक्चर्स में पढ़ाती है एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें बात लिखी हुई थी कि नेगेटिव वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो सबसे पहले आपने ये खुद से ऐड करना है, समझिए ये सेंटेक्स का पार्ट है कि क्यूमुलेटिव जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे तो सेंटेक्स के अंदर फर्स्ट वैल्यू आप हमेशा क्या रखेंगे, लेस देन वाली, कि वो जीरो होगी। उसके बाद इस वैल्यू की जो अपर वैल्यू होगी, मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, इस वैल्यू या इससे बड़ी वैल्यू पे हमेशा आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन का सिंबल रखेंगे, ठीक है। मतलब अब आपके पास जो फंक्शन होगा यहाँ पे, वो एक्स की वैल्यू अब क्या होगी, थ्री पे आपके पास आंसर आ चुका है। अब इससे अगर अगर थ्री से ग्रेटर देन वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, उस पर आंसर वन होगा। तो समझे ये दो वैल्यूज जो है वो आपने हमेशा याद रखनी है। अब तीसरी चीज आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट, कि इंटरनल आपके पास जो ये रेंजेस हैं, ये रेंजेस आपको इंटरनल खुद से डिफाइन करनी होगी, और इसी सेंटेक्स में डिफाइन करना होगा कि सबसे पहले आपने जीरो को इंक्लूड करना है और सेकंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, तो फर्स्ट को इंक्लूड करना है, सेकंड को इंक्लूड नहीं करना है। ये समझे ये चीज आपको हमेशा से याद रखने वाली चीज है, ठीक है। और उसके मुताबिक फंक्शंस आप खुद बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या है, एज पर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, कि बताएं लेस देन जीरो से यहाँ पे कोई वैल्यू है, लेस देन जीरो की कोई वैल्यू मौजूद है यहाँ पे, नहीं, तो ना होने की सूरत में हमेशा क्या आएगा, जीरो। अच्छा, दूसरी चीज है आपके पास जीरो से लेके जीरो इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे लेस देन पे लगा हुआ है, जीरो इंक्लूडेड है और वन इंक्लूडेड नहीं है। तो जीरो से लेके वन तक की रेंज के दरमियान में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये रहा जीरो इंक्लूडेड और वन इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब है आप इसको भी नहीं देखोगे, सिर्फ इसको देखोगे। तो जीरो इंक्लूडेड पे प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 1/8। तो आपने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दी, 1/8। फिर दूसरी रेंज पर आए, दूसरी रेंज पे क्या है, वन इंक्लूडेड है लेकिन टू इंक्लूडेड नहीं है। अब आप ऊपर आए, यहाँ पर वन इंक्लूडेड है लेकिन टू इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं चेक करोगे, सिर्फ जस्ट उसको चेक करोगे। इसमें क्या है, 3/8। तो 3/8 के लिए आपने क्या करना होगा, पीछे वाली वैल्यू को सम करना होगा, दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव। यही कॉन्सेप्ट था क्यूमुलेटिव का। तो यहाँ देखिए पेंसिल से मैंने कैलकुलेशन कर दी, 1/8 + 3/8,
इन दोनों का जब आप सम करोगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 4/8। तो आपने दो वैल्यूज का सम कर दिया। फिर तीसरा फॉर्मूले के मुताबिक क्या है कि तीसरी चीज फॉर्मूले के मुताबिक क्या है, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो अब आपने ये 2 वाला फॉर्मूला कंसिडर करना है लेकिन 3 वाले को कंसिडर नहीं करना। अब आपने 2 वाले को कंसिडर करना है तो 2 के अंदर पुरानी वैल्यू क्या हो चुकी है, 4/8 हो चुकी है। 4/8 के अंदर मजीद 3/8 को ऐड करना है। ये देखिए प्रीवियस वैल्यू 4/8, 4/8 के अंदर प्लस कर दे 3/8 को, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा, 7/8। अच्छा अब फाइनली आपके पास यहाँ पे रेंज थी, रेंज के बाद अब इसमें क्या है, 3 इंक्लूडेड है लेकिन 3 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब आप फाइनली आप यहाँ पे क्या लेंगे, 3 ग्रेटर देन एक्स। अब इससे बड़ी जो भी एक्स की वैल्यू होंगी वो उसके अंदर आएंगी, लेस देन वैल्यू नहीं आएंगी, हमेशा इससे बड़ी, ग्रेटर देन का सिंबल ही हमेशा एंड करेंगे आप। उससे आपने एंड किया, ग्रेटर देन के सिंबल से जब आपने एंड किया तो फाइनली एंड में क्या आया कि अब ये 3 इंक्लूडेड है, इसमें इक्वल्स टू भी लगा हुआ है ना, इसका मतलब है अब ये 3 इंक्लूडेड है। तो फाइनली आंसर क्या, यहाँ तक के इसका सम क्या आता, 7/8। 7/8 के अंदर 1/8 को ऐड करें तो 7/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1। फाइनली आंसर आपके पास क्या आया, 1। ठीक है, तो ये आपने जो बनाई है, ये जो सम आपने बनाए हैं दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव सम, या फिर इसके दूसरे वर्डिंग के अंदर इसका मतलब क्या है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख दिया। तो ये है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कोई वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन की देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के देती हूँ, तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यहीं से लेना है और इसी तरह आपने इंटरवल्स बनाने, ठीक है। इसी ये जिस तरह के ऊपर एक्स गिवन हो गए ना, इसी सीरीज में ही आपने इंटरवल बनाने। फॉर सपोज यहाँ 0 है और यहाँ 2 होता, फिर 2 के बाद यहाँ 4 होता, फिर 8 होता, इस तरह अगर गिवन होता तो आप इंटरवल भी 0 से 2 के दरमियान बनाते, फिर 2 से 4 के दरमियान, फिर 4 से 8 के दरमियान, मतलब जो भी यहाँ रैंडम वैल्यू दी हुई है ना, इसी रैंडम वैल्यू के दरमियान में ही आपने क्या करने, इंटरवल्स हमेशा बनाने। और जो फाइनली फॉर सपोज इसकी फाइनली 9th वैल्यू थी ना, उस 9th वैल्यू के आगे आप लिख देंगे कि 9th इंक्लूडेड ग्रेटर देन एक्स। अब इस एक्स की जितनी भी वैल्यू होंगी वो इससे वैल्यू से हमेशा क्या होंगी, बड़ी। तो ये जो इन रिटर्न लिखा है आपने, ये रिटर्न फॉर्म बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज। अब वो प्रोबेबिलिटीज क्या है, इंटरनली क्यूमुलेटिव सम हो चुकी है। तो ये चीज आपके पास क्या थी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। अब जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना लिया, अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको उसका बनाना है ग्राफ। बनाएंगे ग्राफ बनाने के लिए जो है वो सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए आप आपने इसकी सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज नोट डाउन कर लें कि इसकी प्रोबेबिलिटीज कहाँ से स्टार्ट है भाई, 0, 1/8, 4/8, 7/8 और 1। इसका मतलब है आप यहाँ से प्रोबेबिलिटीज देना शुरू कर दें, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1। आप यहाँ पे पूरी की फंक्शन डिफाइन कर दें, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डिफाइन कर दें, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्स डिफाइन कर दें, और जहां जहां पे वैल्यू है वहां वहां पे आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब सबसे पहला ग्राफ क्या है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब है जीरो, ठीक है। दूसरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेके 1 तक की रेंज पे स्टार्ट है, और उसका आंसर क्या है, 1/8। तो आपने अपने ग्राफ में पहली वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी 1/8। तो अब आपने यहाँ से 0 से लेके पूरी रेंज डिफाइन करी 1 तक की, और उस 0 से लेके 1 तक की पूरी रेंज पे आंसर क्या है, 1/8, ठीक है। फिर दूसरी रेंज क्या है, 1 से लेके 2 तक की, आपने दूसरी रेंज डिफाइन करी 1 से लेके 2। अब ये आपने दूसरी रेंज डिफाइन करी 1 से लेके 2, ये आपकी आपकी दूसरी रेंज। अब दूसरी रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या है, 4/8, ये है आपके पास 4/8, ठीक है। तीसरी रेंज क्या है, 2/3, यहाँ से आप ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद आपने कहा 3/8, 2/3, ये रेंज है आपकी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला आंसर क्या है भाई, 7/8, ये आ गया 7/8 पे लाके आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आप इसी के ऊपर आए, ऊपर आने के बाद क्या है भाई, 3 और ग्रेटर देन, तो आपने यहाँ से 3 पे पॉइंट लिया और आगे x तक के ग्रेटर कर दिया, क्योंकि ये x का फंक्शन था, तब आपने 3 पे लाके डॉट करा और डॉट डॉट करके यहाँ पे लाइन छोड़ दी, क्योंकि अब आपको नहीं पता इससे ग्रेटर और वैल्यू क्या होगी, तो इससे ग्रेटर वैल्यू पे आंसर क्या है भाई, 1। तो ये बेसिकली ये ग्राफ और अभी जो इससे पुराना आपने ग्राफ बनाया था उन दोनों में डिफरेंस देख लिया। वो ग्राफ आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बनाया हुआ था आपने, और ये जो क्यूमुलेटिव का ग्राफ बनाया है वो आपने स्पेसिफिक इंटरवल या उसकी रेंज में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। और इसके नाम भी मैंने आपको बता दिए।
अच्छा, अब अगर इसी के अंदर आपको उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए दी जाए कि भाई आपके पास, अब ये देखिए मैंने आपको कहा था ना जरूरी नहीं है कि आप इस टेबल की तरह बनाएं, अब आप यह देखें, अब इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है डिफाइन करने का, ठीक है। चाहे तो ये रेंजेस आप इस साइड पे डिफाइन कर दें और उसकी वैल्यू सामने डिफाइन कर दें, लेकिन ज्यादातर आपको इस स्टैंडर्ड के अंदर भी ये मतलब दिखेगा, इस स्टैंडर्ड में भी आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिलेगा। और इसकी दूसरी चीज क्या है, इसे कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दें। यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि दूसरी वाली जो भी आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ी थी, ये वाली इसको स्मॉल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, स्मॉल एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको स्मॉल से करते हैं और कैपिटल से ये देखें, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को स्मॉल से किया जाता है लेकिन क्यूमुलेटिव फंक्शन को कैपिटल से किया जाता है। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, इन्हें लिख के रखिएगा अपने पास। अब इसमें बोला कि भाई इसमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए कहा गया है आपको, अब इसमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना इसके लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे अभी पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी सम करवाई थी इसमें भी वैसे ही है। अब इसमें कहा गया कि आपको एक पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4, मतलब अब आपको ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन के अंदर ग्रेटर देन 4 कहाँ लाई कर रहा है, तो ग्रेटर देन 4 की जो वैल्यू लाई कर रही है यहाँ पे आ रही है, इससे पहले तो छोटी है सारी, ये सारी वैल्यू छोटी, आपने इसमें चेक किया नहीं आ रहा, इसमें चेक किया नहीं आ रहा, इसमें चेक किया नहीं आ रहा, यहाँ से आपके पास ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट है, ठीक है। तो आपने जब भी आपके पास क्यूमुलेटिव के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी माइंड करनी होती है ग्रेटर देन 4 की, तो आप हमेशा उसमें से क्या करते हैं, वन वैल्यू में से माइनस करेंगे। ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी को हमेशा से याद रखना वन में से माइनस करते हैं, ठीक है। लेस देन को माइनस नहीं करते लेकिन ग्रेटर देन को जरूर करते हैं। अब ग्रेटर देन 4 एफ ऑफ 4 किसके दरमियान लाई कर रहा है भाई, इस इंटरवल के दरमियान में लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0.7, वन में से 0.7 के एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ गई 0.3। अब इन्होंने कहा एक रेंज के दरमियान में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो रेंज के दरमियान में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये बात ना यहाँ पे लिखी हुई भी है प्रोबेबिलिटी पे, ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपको ए से लेकर रेंज बी के दरमियान में प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा एफ ऑफ बी में से माइनस करें एफ ऑफ ए, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई भी है। अब ये लिखी हुई बात जो है वो हम देखते हुए जो है वो कर लेते हैं, एफ ऑफ ये क्या है ए वैल्यू, ये क्या है बी वैल्यू, इस बी वैल्यू में से माइनस कर दें ए वैल्यू को, तो एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 2। अब आप एफ ऑफ 9 देखें कहाँ पे लाई कर रहा है, एफ ऑफ 9 लाई कर रहा है आपके पास, एफ ऑफ 9 यहाँ पे लाई कर रहा है, और दूसरी वैल्यू क्या है एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कहाँ लाई कर रहा है भाई, यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटीज ली और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, सिंपली ऐड माइनस कर दिया, फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी भी ऐसी फाइंड कर ली। अब ये तीसरी लेस देन वाली प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताना भूल गई, तो लेस देन वाली का प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा, दूसरी चीज, अब आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिरी टॉपिक है, बस आयन की तरफ चलना अपने लेक्चर्स में, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपने सिंपली क्या देखा, अभी आपने सिंपल सिंपल एक क्यूमुलेटिव देखा, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा जो सिंगल सिंगल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्या है, दूसरी चीज है आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके पास एक्स और वाई दोनों वैल्यू जो है वो गिवन होंगी, मतलब एक तरफ एक्स एक्सिस गिवन होगा और दूसरी कॉलम पे आपके पास वाई एक्सिस गिवन होगा, ठीक है। और अगर आपको एक्स और वाई दोनों गिवन हो, दोनों पे आपकी प्रोबेबिलिटीज लाई करती हैं, तो हम उसे कहते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी वो सिंपल एक वैल्यू पे देखी, अभी आपने ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी देखी थी, ये देखें ये क्या था, सिंपल वाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी, मतलब एक सिंगल वैल्यू सिंगल जो है वो रॉ पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल एक्स वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब इसकी जो है वो फर्दर कॉलम्स नहीं है, एक ही रॉ है, तो ये क्या है, सिंगल वैल्यू है, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है, सिंपल एक ही रॉ पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसी पे मैं वाई भी इंक्लूडेड कर दूं कि भाई मेरी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए जिसपे एक्स और वाई दोनों ही आता है, तो फिर हमें क्या करना होगा, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज निकालनी होंगी। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के लिए जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो इस तरीके से टेबल फॉर्म में आती है। टेबल फॉर्म में सबसे पहले आपके पास एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, और ये आपके पास एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, और ये आपके पास क्या है, वाई की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और ये जो सम है, ये सम किसका है, यहाँ पे
अगर हमें x का सम फाइंड आउट करना है, x का सम, तो x की इन तमाम रो का सम यहाँ पे डिफाइंड है f of x1, y इसमें x2 की तमाम रो का सम यहाँ पे मौजूद होगा, x3 की तमाम रो का सम यहाँ मौजूद होगा। अगर आपको y का सम चाहिए तो ये y का इंडिविजुअल सम आपके पास कॉलम वाइज होगा, ठीक है भाई। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी को जिसमें x और y दोनों वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे एग्जांपलों में जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी जरूरत पड़ती है, हमें कैसे एग्जांपल होती है जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़े वो भी जॉइंट टाइप की। तो सबसे पहले अब यहाँ पे भी वही दो प्रॉपर्टीज लाई करेंगी कि समीशन एफ ऑफ एक्स वाई हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, मतलब हर इंडिविजुअल सेल पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन होगी जीरो से, ठीक है। ये तो सिंपल हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। फिर इन्होंने कहा कि समीशन ऑफ डबल समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई हमेशा क्या होना चाहिए, वन। इसका मतलब है वो कह रहे हैं यहाँ से भी आप सम करो और यहाँ से भी सम करो, उन दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, वन। मतलब इन तमाम वैल्यू का आप सम करो, फिर इन तमाम वैल्यू को सम करो, फिर इन दोनों का सम करोगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, वन। तो इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी क्या होगी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे पहले अभी आपने सिंगल सिंगल एक्स एक एक रॉ पे आपने प्रोबेबिलिटी मालूम की थी, अब आप एक एक रॉ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, अब आप जो है वो टेबुलेटेड फॉर्म जो है पूरे एक्स और वाई कॉलम के लिए बनाओगे। तो एक्स और वाई कॉलम के लिए जो है वो बेसिकली आपके पास पहला काम क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब इसमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन है और इसमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और वाई किसे कहते हैं, देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो इसका मतलब है आपको एक्स और इस एक्स और इस एक्स से कोरस्पोंडिंग इनके टोटल पे गिवन है। मतलब ये एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, ये आपने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन डिफाइन कर दिया और इसी की कोरस्पोंडिंग इनका सम, इसी के कोरस्पोंडिंग एक वैल्यू इसका पूरा सम यहाँ पे क्या है, दिस वन, ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वन। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स वन के बराबर, एक्स वन के क्रॉसबॉन्डिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स वन। यहाँ पे देखें एक्स टू, एक्स टू के क्रॉसबॉन्डिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स टू, ये एफ ऑफ एक्स टू गिवन है। मतलब ये कि ऐसे, मतलब जो एक्स की वैल्यू हो और एक्स के गिवन उसका सम हो, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। और अगर यहीं पे दूसरी तरफ बात की जाए कि अगर आपके पास वाई की वैल्यू गिवन हो और वाई के क्रॉसबॉन्डिंग उसका सम डिफाइन करना, तो उसका मतलब होता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। इसका मतलब है y1, y1 के बाद y1 का सम, y2, y2 के बाद y2 का सम, y3, y3 के बाद y3 का सम, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y एंड दैट वन इज कॉल्ड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अभी बना के भी दिखा दूंगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। अब देखिए इसी के अंदर अगर हमें प्रोबेबिलिटीज भी मालूम करनी है तो प्रोबेबिलिटीज जो है वो कौन सी होंगी, या सिंपल प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं होगी बल्कि क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि भाई आपके पास इसी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लास्ट टाइम भी मैं आपको डिस्कस करके बहुत अच्छे से विद एग्जांपल समझा चुकी हूँ लास्ट वाले लेक्चर में। तो बिल्कुल वैसे ही आपके पास ऐसे ही टेबल गिवन होता था और उस टेबल के अंदर आप वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे और इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद उसके डिपेंडेंट एलिमेंट को उससे डिवाइड कर दिया करते थे। बिल्कुल यहाँ पे भी समझे, बिल्कुल वैसे ही गिवन है, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो प्रोबेबिलिटी ज्वाइन भी निकलेगी। तो लास्ट वाली जो एग्जाम्पल है वो एग्जैक्टली बिल्कुल कॉपी होके यहाँ पे भी निकलेगी। अच्छा अब इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आपके पास एक एग्जाम्पल क्या गिवन है कि सबसे पहले एक लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर दैट अकर व्हेन रेड इज डाई। अब इन्होंने कहा एक डाई है वो अकर हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसका कलर क्या है, रेड। अब उसकी जगह पे एक एक तो उन्होंने बता दिया, एक एक्स है जिसका रेड कलर का डाई है और वो अकर हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ एक वाई है, अब y जो है वो ग्रीन कलर का डाई है, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया फाइंड करें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ z, और z की वैल्यू इन्होंने डिफाइन कर दी x माइनस y। अब इन्होंने कहा कि इसी वैल्यू को आप जो है वो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, इसका सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए एक मिनट रुकिएगा, जरा आपके साथ एक शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन। लास्ट वाले के अंदर आपने इसका एक सैंपल स्पेस बनाया हुआ था, एक मिनट रुकिएगा जरा स्टूडेंट, मैं एक पिक्चर आपके सामने खोल दूं।
एक मिनट, अच्छा स्टूडेंट ये एक बार देखिएगा, मैंने एक पिक्चर नहीं लगाई है, क्या ये दिख रही है आप लोगों को सैंपल स्पेस की? कोई एक स्टूडेंट यस बताइए, मैम, ये यस तो अभी मैम, मैंने पेस्ट की है, ये जो मैंने अभी पेस्ट किया s इज इक्वल्स टू 1,1 वाली, ठीक यस मैम, दिख रही है। यस, है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब यहाँ देखें, ये सबसे पहले मैंने बना लिया एक सैंपल स्पेस, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि एक एक्स है जो कि रेड डाई पे है, रेड डाई के आपको पता है कितने होंगे, एक डाइस के अंदर कितनी वैल्यू होती है 6, दूसरा वाई है, वाई ग्रीन टाइप का है, वाई के अंदर कितनी वैल्यू होंगी 6, ठीक है? अब आपको उसका सैंपल स्पेस बनाना है, तो आपको पता है 6 6 36, ये आपको सैंपल स्पेस मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ाया था, वहीं से कॉपी करके लाई हूँ, ठीक है? अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाले ऑफ जेड के लिए, अब वो जेड के लिए इन्होंने कहा कि ये है फंक्शन जिससे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि एक्स माइनस वाई करें, एक्स माइनस वाई का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले काम क्या किया कि दो डाई थे दोनों टॉस हो रहे थे, सबसे पहले आपने इसका क्या निकाल लिया सैंपल स्पेस। तो देखिए ये मैंने सैंपल स्पेस सबसे पहले बना लिया, अब बना लेने के बाद इसमें से मुझे बनानी है प्रोबेबिलिटी, और उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी किस तरह कैलकुलेट करें, एक्स में से माइनस वाई करके कैलकुलेट करें। तो आपको पता है ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास कौन से डाई की होगी, फर्स्ट डाई आपका कौन सा होगा, फर्स्ट डाई आपने सपोज कर लिया ग्रीन है, सेकेंड डाई आपने सपोज कर लिया रेड है। अब इन्होंने कहा फर्स्ट वैल्यू एक्स है, सेकेंड वैल्यू क्या है वाई। अब इन्होंने कहा एक्स में से माइनस वाई करें और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो ये वाई एक्स है और ये वाई, 1 माइनस 1 जीरो दिख रहा है, फिर है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 -1, फिर 1 माइनस 3 -2, फिर 1 माइनस 4 -3, 1 माइनस 5 -4, 1 माइनस 6 -5, दिख रही है ये वैल्यूज अब आपको निकली हुई। इसी तरह आपने इसको 2 माइनस 1 करना है, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2 माइनस 3, 2 माइनस 4 2 माइनस 5 2 माइनस 6, फिर 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3 3 माइनस 4 3 माइनस 6 3 माइनस 6, ठीक है भाई? इस तरह करते हुए आपने ये सारे माइनस करते गए इन पेयर्स को और उनकी वैल्यू का आंसर आपने यहाँ बना लिया, क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालने के लिए कही कि प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे इस कैलकुलेशन से, तो आपने इस कैलकुलेशन से भाई इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी, ठीक है भाई? कोई इशू तो नहीं है इसमें। अब फाइंड करने के बाद इन्होंने कहा कि अब इसका क्या करना है भाई, मॉडुलस भी लेना है। अब इन्होंने बताया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसमें मॉड होगा। अब मॉड का मतलब क्या है, जितने भी मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब इन्होंने कहा कि अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन किसकी चाहिए, मॉड जेड की चाहिए, ठीक है? अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज, अभी सब तक क्या आपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, टेबल बनाया। अब टेबल के बाद आपने फाइंड क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखते हैं माइनस फाइव की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे देखो माइनस फाइव कितनी टाइम्स अकर हुआ है, तो पूरे इस कंप्लीट टेबल के अंदर माइनस फाइव जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा अकर हुआ है, ये रहा माइनस फाइव, ठीक है, जो फ्रोजी कलर से मैंने आइडेंटिफाई किया। इसका मतलब है 1 फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल आपको पता है सैंपल स्पेस कितने हैं 36, तो माइनस फाइव की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, 1 को डिवाइड क्या कर दिया 36। अच्छा अब दूसरी चीज आ जाते हैं माइनस फोर, अब इस पूरे टेबल में देखें माइनस फोर कितने टाइम अकर हुआ, तो माइनस फोर को आप काउंट करें 1, और इसी तरीके से कहीं और भी माइनस फोर अकर हुआ हो, ये रहा माइनस फोर, ये 2 माइनस 4 अकर हुए, इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2 बाय 36। अब देखिए इसी तरह आपने एक एक करके हर किसी की प्रोबेबिलिटी चेक कर ली, ठीक है, -1 -2 -3 -0, फिर +1 +2 +3 +4 +5, हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करके आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। फाइनली अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अब आपने फाइनली यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, मॉड जेड की प्रोबेबिलिटी सिर्फ डिफाइन करनी है।
आपने प्रोबेबिलिटी तो हर किसी की निकाल ली, लेकिन उन्होंने फाइनली आंसर किससे मांगा है? सिर्फ मॉड जेड से मांगा है। तो आप में से ऑलमोस्ट ये तमाम नेगेटिव वाली प्रोबेबिलिटीज उन्होंने नहीं मांगी, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ से लेके पॉजिटिव वाली प्रोबेबिलिटी लोगे और सिर्फ पॉजिटिव वाली प्रोबेबिलिटी का ये टेबल डिफाइन कर दोगे। और इस टेबल के अंदर क्या है, ये वन के बराबर है। वन के बराबर कैसे? हर वैल्यू ग्रेटर देन है जीरो, हर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन है जीरो, बिल्कुल है। और उसका सबका सम क्या है? वन। तो ये आएगा आपका फाइनली आंसर। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, एक्सप्रेस करें बोथ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम से। अब हिस्टोग्राम आपको बनाना आता है, अब प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम से आपने दोनों को, जेड को भी रिप्रेजेंट करना है, ये वाले टेबल को भी हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करना है, और नीचे वाले टेबल को भी हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट वाले टेबल को हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करें और नीचे वाले को भी करें। तो फर्स्ट वाले का हिस्टोग्राम बनाना मुश्किल तो नहीं है, सारी प्रोबेबिलिटीज को आपने राइट साइड पे नोट डाउन कर लिया और उसके बाद आपने इसकी एक्स वैल्यू पे हिस्टोग्राम बनाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे कहा कि इस वाले का भी हिस्टोग्राम बनाएं। अब इसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो आपने स्केलिंग क्या कर दी, सेंटर में स्केलिंग कर दी। सेंटर में स्केलिंग करके जितनी नेगेटिव थी, नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी और पॉजिटिव वाली तमाम वैल्यूज यहाँ से स्केलिंग कर दी। अब हिस्टोग्राम आप लोगों ने पहले से पढ़ चुके हैं, भाई हिस्टोग्राम ड्रॉ करना आता है, और अगर नहीं भी आता तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट सिंपल से वैल्यू देखनी हो, वैल्यू ड्रॉ करते, वैल्यू देखते हुए आपने क्या बनाते जाना है, हिस्टोग्राम बनाते जाना। ठीक है भाई, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी समझ आई थोड़ी बहुत? जेड मीन जेड मॉड का सम वन, एक बार बता दे। अच्छा भाई, जेड मॉड का सम वन किस तरह आएगा ये एक बार बता दूं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इन सब का सम जो है वो इन्होंने क्या करा है कि जीरो जीरो की जगह पे वन लेना है। जस्ट सिंपल ऐड करके चेक कर लो, ऐड करके चेक करो, जेड का सम जो है वो यहाँ पे ऐड करके इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है, ऐड करके चेक करना क्या वो 36 है। 36 है तो उसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज आपके पास लास्ट टॉपिक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं, ये आपका आखिरी टॉपिक है, आज का लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। तो अब ये आखिरी टॉपिक में आपके पास क्या चीज है, सबसे पहले आपके पास जो है वो क्या आएगा, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन समझे कि एक बेसिकली एवरेज है या फिर एक सम है। सम या एवरेज हम क्या कहते हैं इसको, कि बेसिकली जो है वो आपके पास, बेसिकली आपके पास जो है वो समझे कि आपके पास कोई मतलब PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवेन है, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन गिवेन है आपको, उन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या करना है, उनका सम निकालना है। बेसिकली आपने इसकी जो है वो मीन निकालना है, जिससे हम नहीं करते हर हर वैल्यू को उसके डिवाइड, हर वैल्यू को उसकी क्रोस्पॉन्डिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। हर वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होगी और फिर क्या हो जाएगी, ऐड होगी। तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा, इसे कहते हैं हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अगर और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इस कैपिटल ई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो कैपिटल ई ऑफ एक्स है, इससे है जो है वो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या है, ये नोटेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि ये सिंपल जो है वो अगर आपको याद हो तो आप लोग जो है वो सिंपल हर वैल्यू को मतलब एक ग्रुप मीन निकाला करते थे, कि हर एफ ऑफ एक्स को जो है वो हर एफ को फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया जाते, मल्टीप्लाई करते थे हर वैल्यू को उसकी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज के साथ। तो समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मीन कहते थे। तो समझे, अगर हमें इसी तरह मीन निकालना है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, तो हम यहाँ पे सिंपल मीन वाला कॉन्सेप्ट, मतलब मीन या फिर इस तरीके से कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन का सम चाहिए तो हम कहेंगे कि भाई हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इन द केस आखिरी जो है वो क्या होगा, सिंपली कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा मीन वाला ही होगा। ठीक है, कि अगर हम उसमें से मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फिर हम इसके लिए हम मीन का कीवर्ड नहीं बल्कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब इस एक्सपेक्टेशन के अंदर आपके पास क्या गिवेन है, एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवेन है, एक्सपेक्ट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक्सपेक्टेशन और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई ऑफ कैपिटल एक्स से। अब इन्होंने कहा कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है।
तो जस्ट सिंपल फार्मूला है, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन. अब हर वैल्यू को उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई कर दें. मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट सम करेंगे. सम करने के बाद उसके पास जो भी आंसर आएगा, जरूरी नहीं है कि वो वन आए, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन कहते हैं. किसका? इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का. तो बेसिकली आप इसे क्या कह सकते हो, मीन ही कहते हो, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की टर्म में आप इसे मीन नहीं कहोगे. आप इसे कहोगे कि भाई इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ये आया है, ठीक है. अब इसी की अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रेंडम वेरिएबल, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फंक्शन प्रोबेबिलिटी का देती हूँ, दूसरा एक और फंक्शन देती हूँ, मतलब दो फंक्शन के दरमियान में अगर मैं आपसे बात करूँ कि मुझे एक्सपेक्टेशन फाइंड करके दे दें, तो आप क्या करोगे, सिंपल, फॉर सपोज एक फंक्शन मैंने आपको डिफाइन कर दिया. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास एक फंक्शन है f(x), मेरे पास है x² / 3, x² / 30, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक f(x) है. और इसी की जगह जो है वो मेरे पास g(x) है, g(x) का आंसर है 1/4. तो मैं क्या करूँगी, इस x के अंदर उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करूँगी और उन दोनों को आपस में जस्ट प्रोडक्ट करवा दूंगी. मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के दरमियान में भी क्या हो सकता है, फॉर सपोज ये f(x) किसी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से लाई कर रहा है और g(x) की दूसरी प्रोबेबिलिटी से लाई कर रहा है. आप क्या करोगे, जस्ट उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपस में प्रोडक्ट करवा दोगे, तो वो दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज का आंसर भी क्या आएगा, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आ सकता है. जैसे ये एक आपके पास गिवन था बॉक्स, इसी के आगे मैं एक और बॉक्स बना दूं डिस्ट्रीब्यूशन का. अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने f(x) से रिप्रेजेंट किए हुए, दूसरे वाले के जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो मैं g(x) से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है. अब क्या होगा कि मैं दोनों फंक्शन की आपस में जो है वो एक्सपेक्टेशन पूछ रही हूँ, तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को g(x) की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाओगे, ऐड करोगे, फिर इस वैल्यू को दूसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, फिर इसको g(x) से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे. तो ये होता है बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन रेंडम वेरिएबल, ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी. अच्छा हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी. प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू का, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो वो कांस्टेंट ही होगा. ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है. किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन उसकी वही होगी. फिर अगर आपने प्रोडक्ट करना है, अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, हाँ जी बिल्कुल ख़त्म कर रही हूँ, बस ख़त्म हो रहा है. अब यहाँ पे जो एक मैथमेटिकल की एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी है जो मैंने ग्रीन हाईलाइट की है, वो ग्रीन हाईलाइट जो है वो सिक्स प्रॉपर्टीज हैं. सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा. फिर अगर किसी, अगर आपने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालना है किसी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है किसी वेरिएबल से, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक है, और उसमें से एक्सपेक्टेशन उस वैल्यू पे चली जाएगी. तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, इसको मैंने एक एग्जाम्पल करके जरा समझाया है, एक एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल करके समझाया. बस ये इसका जो है वो एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि क्या है. लेट एक्स एंड वाई बी आर टू रेंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्टेड वैल्यू. अब यहाँ पे इन्होंने कहा आपके पास दो रेंडम वेरिएबल है, दो की एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन की है, ठीक है. एक्स वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू उन्होंने क्या बोला है, e(x) का आंसर क्या है, 1. दूसरा उन्होंने कहा वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू उन्होंने बताई है 4, ठीक है. अब लेट जेड बी आर रेंडम वेरिएबल डिफाइंड एज फॉलो. अब उन्होंने कहा जेड की भी आपने क्या करनी है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालनी है, दोनों का उन को सम करना है, उन दोनों का एक्सपेक्टेशन निकालना है. तो अगर आपने इन दोनों की एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो इन दोनों की अगर आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो आप किस तरह करोगे, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जाओ. ये आप यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड अप्लाई हो रही है. सेकेंड प्रॉपर्टी किस तरह अप्लाई हो रही है, सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किस पे जाएगी, एक्स पे भी जाएगी और वाई पे भी. जब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एक्स से निकालोगे तो सिंपल e(x) आ गई. फिर एक्सपेक्टेशन किस पे जाएगी, 3y पे जाएगी. जब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन 3y पे निकालोगे तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर आप किसी वेरिएबल पे एक्सपेक्टेशन निकालो, उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू मौजूद है, तो उस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो. तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ गई. अब यहाँ देखिए एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आ गई, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया. अब इन्होंने e(x) और e(y) आपको गिवन किया हुआ है, e(x) की जगह 1 और e(y) की जगह 4. तो अब आपने e(x) की जगह 1 रखा, y की जगह 4 रखा, मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आ गए.
तो यही प्रॉपर्टी है जो एक आध और प्रॉपर्टी है जिसको मैंने वेरीफाई करके आपको एग्जाम्पल में दिखा दिया। ये कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं जो आपके खुद के सॉल्व करने के लिए मैंने दिए हैं, ठीक है। और बाकी ये एक और वेरिएबल है जिसमें मैंने आपको कहा है कि वेरिएंस कैलकुलेट करें, और वेरिएंस के लिए फार्मूला आपके पास ये गिवन है, ठीक है, कि फार्मूला आपके पास वेरिएंस के लिए क्या लगा हुआ है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालें एक्स का और फिर एक्स का जो है वो स्क्वायर कर दें। तो एक आध प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक आध बातें मैंने भी आपको समझा दी हैं, अब आप इनकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा भाई, ये चिटचिट बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या चल रहा है इसके अंदर? मिस इनफ है जी, बिल्कुल इनफ कर दिया है मिस, जान निकलने वाली हो गई है। अच्छा, जान निकल गई है, बस भाई ख़त्म हो गया, आधा सेमेस्टर हो गया आज ही। नहीं नहीं आधा सेमेस्टर नहीं हुआ अभी, अभी बाकी है आपका सेमेस्टर। 2.0, 2.0 का मतलब है, लग रहा है कि आप लोग अपनी फ्यूचर फोरकास्टिंग कर रहे हैं स्टेट्स में। मिस ये शाहरुख लड़को इकरा यूनिवर्सिटी का है, ये शाहरुख इकरा यूनिवर्सिटी का है? तो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई ये हमारे